श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे पुजे श्रद्धालु नू पहरेदार वालों रोक के मर्यादा का पालन करने लिए आखन ते दोहां विचकार हुई गलबात नू लैके सोशल मीडिया ते सिखा वरों सरजे जा रहे वर्तार की कड़ी निंदा की। उन्हां कहा कि बीते दिन श्रद्धालु ते श्री दरबार साहिब के पहरेदार विचकार हुई गलबात नू गलत ढंग नाल पेश किया जा रहा है। धामी ने कहा कि महज एक घटना नू लैके सिखा दा अक्स खराब करन अते संस्था दे प्रबंधा नू बदनाम करन लई सोशल मीडिया ते मन घड़त ते बेबुनियादी टिप्पणियां करनियां ठीक नहीं। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब हर धर्म दे लोकां दा सर्व सांझा स्थान है। इत्थे पूजन वाले श्रद्धालुआं दा सत्कार किया जाता है, पर दुख की गल यह है कि सिख विरोधी शक्तियां सिख संस्थावां दे अक्स नू खराब करन लई कोई कसर नहीं छड़ रहीआं। उन्हें यह भी कहा कि किसी भी घटना ते गलत प्रापेगंडा करना भाईचारा सांझ नू तोड़न वाली कार्रवाई है, जिस तो बचना चाहिदा है। एडवोकेट धामी ने आख्या कि हालिया वापरी घटना विच एक लड़की नू पहरेदार वालों मर्यादा दे पालन लई कहा गया सी। हालांकि श्रोमणी कमेटी ने इस मामले नू लैके जांच भी करनी शुरू कर दिती, परंतु फिर भी मामले नू कुछ लोग जानबूझ के गलत दिशा विच वधा रहे हन। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब समेत हरेक गुरु घर दी मर्यादा निर्धारित हुंदी है, जिसका संगत नू पालना करना लाजमी हुंदा है। कई बार कुछ लोग जानबूझ के मर्यादा विरुद्ध कार्रवाई कर दिंदे हन, जिस करके पहरेदार अते सेवादार श्रद्धालुआं नू सुचेत करदे रहंदे हन। उन्हां संगत नू अपील कीती कि गुरु घर अंदर पूजन समय मर्यादा का ख्याल रख्या जावे, तां जो अजिहां घटना तो बचा जा सके।